फरीदाबाद आपको बोल रहा हूँ मैं, मेरठ आपको बोल रहा हूँ, आप देवबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, आप बरेली में चले जाइए, सब जगह लोग छोड़कर चले गए, हर जगह लोग व्यापक स्तर पर पलायन हुआ। अश्वनी जी जवाब आपको देना चाहिए कि 14 दिन में आप क्यों नहीं आए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर यहाँ। टैक्स रिफॉर्म की बात इन्होंने शुरू की थी उस समय, देखो हंसने वाले सवाल को हंस के मत डालिए स्वामी जी, पहली बार किया गया। अब्बास साहब ठीक है, आपके पास एक कागज की पर्ची है, वो सरकारी कागज लेकर आप सुना रहे। भारत के मीडिया में कुछ ही पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार से खुल के सवाल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता, वह करता है पर बहुत कम मुद्दों पर। आज हम ऐसे ही एक बेबाक पत्रकार की बात करेंगे जो है अजीत अंजिम। वह जब न्यूज चैनल पर पत्रकारिता करते थे तब वह सरकार से तीखे सवाल करते थे। आज हम उनके कुछ वीडियोस का जिक्र करेंगे जिसमें वे सत्ता सरकार के नेताओं को अपने तीखे सवालों में घेरते नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे पर यूपी के चुनावों से पहले इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से एंकर अजीत अंजम ने उनके एजेंडे को लेकर सवाल किए, जिस पर योगी ने पलायन का मुद्दा उठाया और अखिलेश सरकार पर तंज कसना शुरू किया, जिसके बाद अजीत अंजम ने उन्हें तीखे सवालों से घेर लिया, जिस पर योगी परेशान होते दिखे। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही मेरा एजेंडा भी है। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल केराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूँ 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है, दिल्ली के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ यही आप अपने एजेंडे पर आ गए, क्या आप आ गए पलायन पर, और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके डराकर। फरीदाबाद आपको बोल रहा हूँ मैं, मेरठ आपको बोल रहा हूँ, आप देवबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, बरेली में चले जाइए, सब जगह लोग छोड़कर चले गए, हर जगह लोग व्यापक स्तर पर पलायन हुआ है। बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत अतिरंजित बात आप जाइए ना, आप क्या आप एक बार निष्पक्ष अपनी टीम को मैं जाता हूँ हमारी टीम भी जाती है योगी, लेकिन हम योगी की आंख, योगी का चश्मा, योगी का एजेंडा लेकर नहीं जाते। योगी तभी बोलता है क्योंकि योगी दूरदर्शी होता है। TV9 भारतवर्ष पर बिहार में चमकी बीमारी पर कवरेज कर रहे रिपोर्टर अजीत अंजम ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को डॉक्टरों की कमी पर सवाल किए, जिस पर वह बचते नजर आए। इसके बाद अजीत अंजम ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को अपने तीखे सवालों में घेर लिया। सवाल उठता लगता नहीं है कि बर्थ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, जो पैथेटिक सिचुएशन है, अगर इतना सीरियस है जो 2014 में भी आप आए और तमाम बातें 2014 में भी आपने की, तो इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए। जो आप तीनों लोग हैं बहुत 24 घंटे का काम है, इतनी पैथेटिक सिचुएशन क्यों है, इतनी किल्लत क्यों है डॉक्टर और बेड की? इसीलिए कहा ना, देखिए आप अस्पताल में देखिए भीड़ कितनी है, और अस्पताल में इसके बावजूद भी मैं 6 वार्ड्स के अंदर होके आया जहाँ की उन्होंने पीडियाट्रिक ICU जैसी व्यवस्था क्रिएट की, तरफ लास्ट वार्ड था जहाँ बगल में आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के हैं, 14 दिन के बाद वो आए हैं, अगर बच्चे 90 मर गए, 90 के आंकड़ा का इंतजार अश्वनी जी कर रहे थे, कल वो भागलपुर गए, विजय जुलूस वहां निकला, जश्न मनाए, उनको पहले 14 दिन में 4 बार आना चाहिए, जिसकी जिन माओं के बच्चे यहां मर रहे हैं और हॉस्पिटल में हम लोगों की आंखों में आंसू है जब हम देखते हैं उन बच्चों को, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं आया आज तक 14 दिन में? अश्वनी जी जवाब आपको देना चाहिए कि 14 दिन में आप क्यों नहीं आए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर यहाँ, आप इस सूबे की नुमाइंदगी दिल्ली में करते हैं। इंडिया टीवी पर अमित शाह का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में अजीत अंजम ने कश्मीर के मुद्दे पर अमित शाह से सवाल किए, जिसके बाद वे सवाल से बचने की कोशिश करते रहे पर अजीत अंजम लगातार सवाल करते रहे। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि PDP और BJP के बीच बातचीत अंतिम दौर में है, मान लें कि अगले 2-4-10 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी? मैं समय मर्यादा तो नहीं कह सकता, मगर काफी एडवांस स्टेज में बातचीत पहुंची है और कुछ न कुछ नतीजा जल्द ही आएगा। PDP के साथ मैं अभी ये बात पर कुछ बोलना नहीं चाहता, किसके साथ होगा, किस तरह से होगा और किन मुद्दों पर होगा, ये बातें कहने का भी समय नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं रहा होगा कि BJP PDP से भी बात कर रही है, NCC से भी बात कर रही है? चलिए आप तरह तरह से बात निकलवाने का प्रयास मत करिए, आपको सफलता हासिल नहीं होगी। मैं इतना ही कहता हूँ कि बहुत एडवांस स्टेज पर वार्ता चल रही है और परिणाम बहुत जल्दी आएगा। अगर PDP के साथ BJP की सरकार बनती है तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, और अगर होगा जिसके तो भी 370 और कॉमन सिविल कोड का क्या होगा? मेरी बात समझिए, जिसके भी साथ होगा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ही सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ हंग असेंबली का मैंडेट मिला हुआ। TV9 भारतवर्ष पर 2019 के चुनावों में BJP के जीत के बाद बाबा रामदेव का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में अजीत अंजम और अन्य पत्रकार बाबा रामदेव से काले धन को लेकर सवाल करते रहे और उनके पुराने बयान का जिक्र किया, पर बाबा रामदेव इन सवालों को हंसकर टालते नजर आए।
उसके बाद ठीक है सीट 350 सीटें आ रही है, लेकिन वो काला धन जिसका भरोसा आप दे रहे थे स्वामी जी 3 साल तक देश को, वो नहीं आया, तो ये नाराजगी कुछ है कि नहीं आपके भीतर? वो मुहिम कहीं से जिंदा है कि नहीं कि काला धन आना चाहिए? देखिए, आज भी से देश में काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी एक मुद्दा है और उन मुद्दों को पूरा होने की आस मोदी में है। इसलिए मुद्दे भी जिंदा है, मोदी जिंदा है और उन्होंने राजनीति में करोड़ों लोगों का विश्वास जीता है कि इस सरकार का भरोसा जनता ने किया है, करोड़ों जनता ने किया है और जनादेश दिया है, हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। पर इस सरकार की आर्थिक नीतियों के तो आप आलोचक रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म की बात इन्होंने शुरू की थी उस समय, देखो हंसने वाले सवाल को हंस के मत डालिए स्वामी जी, कि मैं स्वदेशी के मुद्दे पर और बिहार में चमकी बीमारी के मुद्दे पर डिबेट में अजीत अंजुम ने बिहार के नेता से कुछ तीखे सवाल किए, जिस पर वह आंकड़े देने लगे, पर अजीत अंजुम ने उन्हें असल हालात से रूबरू करवाया और टोक दिया। क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री को मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था? क्यों नहीं मुजफ्फरपुर में 20 एम्बुलेंस होना चाहिए था? उस अस्पताल में जैसे ही कोई बच्चा आता है तुरंत उनको पटना लाया जाए, ये बताइए आप। अब्बास साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन सरकार की जो हेल्थ मंत्रालय है वो एक्टिव है, संज्ञान में भी है और वो एक्शन में काम कर रही, प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष, यही तो बात है ना अब्बास साहब, कि चिकित्सा प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि पटना से 72 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ 25 एम्बुलेंस होना चाहिए था कि बच्चे तुरंत आए और कैसे पटना शिफ्ट करें, वहाँ 25 बड़े डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए थी, वहाँ एक्स्ट्रा बेड होने चाहिए, जो ये सब नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, रजौरी है, नालंदा है, नवादा है, सब में स्पेशल पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था पहली बार किया गया। अब्बास साहब, अब्बास साहब, ठीक है, आपके पास एक कागज की पर्ची है जो आपको प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी या किसी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आपको दिया है, वो सरकारी कागज लेकर आप सुना रहे, अच्छी बात है। अजीत अंजुम अपने चैनल के जरिए आज भी जनता के मुद्दे उठा रही है और सरकार की कड़ी आलोचना कर रही है। हम उम्मीद करेंगे कि वे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.